हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं जो नेतरहाट के तर्ज पे अभी जो फॉर्म निकाला गया है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, पेरेंट्स लोग फ़ोन कर रहे हैं, साथ में व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर बताइए इसके बारे में, कुछ डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले चीज़, नेतरहाट के तर्ज पे जो फॉर्म निकाला गया है दुमका और चाईबासा के लिए और इंदिरा गांधी बालिका के लिए, हजारीबाग के लिए जो फॉर्म निकाला गया है उसके बारे में हमें आज डिटेल से बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि फॉर्म कहाँ से भरना है। आप सबको पता ऑलरेडी चल चुका था, मैंने लास्ट वीडियो में बता भी दिया था कि फॉर्म कैसे भरना है। इशू यहाँ पर नहीं था, इशू यहाँ पर था कि फॉर्म भरने के बाद सर वो जो प्रिंट आउट आप निकाल रहे बोल रहे हैं उसको प्रिंसिपल से अपना साइन मोहर करवाने बोल रहे हैं, उसके बाद जमा कहाँ पर करना है, यहाँ पर इशू था। ठीक है, यहाँ पे इशू था। यहाँ पे पेरेंट्स लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस फॉर्म को कहाँ जमा करना है। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आप सबको बताऊँगा, आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ आपका ज़िला है, जहाँ पे रहते हैं जहाँ आपका ज़िला है या ज़िला नहीं भी है, आप किसी झारखंड के किसी प्लेस में या किसी ज़िला में तो रहते ही होंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल था कि सर कहाँ पर जमा करना है, कौन सा ऑफिस में जाके जमा करना है, ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में इसको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले चीज़, अगर आपके नियरेस्ट में कोई प्रखंड है ना, मान लेते हैं हम जिस प्रखंड से बिलोंग करते हैं उस प्रखंड में प्रखंड प्रसार पदाधिकारी ऑफिस होता है। ठीक है, शिक्षा विभाग का ऑफिस होता है, वहाँ पे जमा कर सकते हैं। या तो अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के नियरेस्ट में रहते हैं, मान लेते हैं हमारा ज़िला गिरिडीह, हम गिरिडीह में रहते हैं, तो हम कहाँ जमा करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो ऑफिस है वहाँ पर जमा करेंगे। ठीक है, DEO जो ऑफिस होता है वहाँ पे जमा करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस वहाँ पे जाके जमा करेंगे। तो ये डाउट, छोटा छोटा डाउट था, आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारे डाउट आप सबका क्लियर हो गया है। देखिए, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, आप सबको कुछ करना नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा, उस फॉर्म को घर लाइए, जाके प्रिंसिपल से साइन मोहर करवाइए। अपना आस पास में अगर कोई प्रखंड है तो वहाँ पर प्रखंड में एक ऑफिस होता है शिक्षा विभाग का, वहाँ पे जाके जमा कर दीजिए। या तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हो तो डिस्ट्रिक्ट से जो डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस होता है, DEO ऑफिस जो होता है वहाँ पे जाके जमा कर दीजिए। इसमें कोई भी डाउट सेक्शन नहीं है। ठीक है, आप लोग जो कमेंट्स कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि बस सर बता दीजिए इसके बारे में प्लीज़, ये बात क्लियर हो गया। नंबर पॉइंट नंबर टू में एक बात और था, और वो था कि सर DD यानी DD क्या है, पूछ रहे थे बच्चे लोग भी, स्टूडेंट्स लोग भी पूछ रहे थे, प्लस में पेरेंट्स लोग भी पूछ रहे थे कि DD क्या है। तो DD है डिमांड ड्राफ्ट। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ जो लोग जान रहे हैं, मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो इसके बारे में पूछे थे। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट होता है जो कि बैंक से बनाना होता है, जेक फंड के नाम से ही बनाना होगा। डिपेंड ये करेगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी से आपके लिए अलग अलग फ़ी यहाँ पे, मतलब फ़ी स्ट्रक्चर रखा गया है। ठीक है, SC ST के लिए जो था 100 रुपीज़ था, अदर OBC जनरल के लिए 200 था। तो आप जाके बना सकते हैं, बैंक से बहुत इजीली तरीके से बन जाता है। जाके आप बैंक में इसका प्रोसेस पता कीजिए, कैसे DD बनता है, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है, जेक फंड के नाम से मुझे बनाना है ये बोलिएगा, बैंक वाले आपको DD बना के दे देंगे। ठीक है, आप कितना टाइम लेंगे इसके बारे में मुझे एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, आप जाके खुद ही पता कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा इस कोविड में, साथ में पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा ताकि अपने आप को आप क्या कर सके, पर डे अपडेट कर सके। मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार वीडियो के साथ।